हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं जो कि आरपीएफ की तरफ से जारी की गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आरपीएफ 2020 नई भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर कॉन्स्टेबल और एसआई के दोस्तों 11,000 पद होंगे और योग्यता क्या होगी, आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं और इसमें मेल और फीमेल वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं और एज लिमिट आपकी क्या होगी, तो इसी के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करने जा रहा हूं दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पर जहाँ पर मैं आपके लिए आरपीएफ की जो 2020 में भर्ती आने वाली है कॉन्स्टेबल प्लस एसआई की 11,000 प्लस पद के लिए जो भर्ती होने वाली है उसके बारे में आपके लिए मैं फुल डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहां पे jobriya.com पे। ये एक ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म है। यहां पर दोस्तों जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स, जितने भी जॉब्स होती हैं उनके बारे में अपडेट होती रहती है वैकेंसीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोस्तों आप देख सकते हैं भाई मधु चौधरी, 4 जनवरी 2020 के लिए ये पोस्ट अपडेट की गई है और 221 कमेंट भी आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020, आरपीएफ विल रिलीज द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट इन आरपीएफ। ठीक है, तो 2020 में आरपीएफ बहुत ही जल्दी तो 11,000 प्लस पद के लिए रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन रिलीज करने वाली है वेरियस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल ये लेटेस्ट वैकेंसी डिटेल में बता रहा हूँ आपके लिए, ये भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 लेटेस्ट अपडेट इसके निकल कर आई हुई है दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट ऑन 22 दिसंबर 2019 के लिए आरपीएफ विल रिलीज द कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, ऑल द कैंडिडेट्स प्लीज कीप इन टच विद अस फॉर बेटर लेटेस्ट अपडेट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर आप आरपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही आरपीएफ में ये ऑनलाइन फॉर्म पढ़ने वाले हैं, वैकेंसीज पता नहीं किस दिन निकल जाएंगी, तो जिस दिन ये वैकेंसीज निकलेंगी उसी दिन मैं आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके लिए पता चल जाएगा कि ये वैकेंसीज कब निकल रही हैं क्या है। तो जैसे ही वैकेंसीज निकलेंगे मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो आरपीएफ की वैकेंसीज हैं 2020 में नहीं होंगी, ये फेक न्यूज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि आप किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि ये जो न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है इंटरनेट पर, यहाँ पर कोई गलत न्यूज़ पब्लिश नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरपीएफ की रिक्रूटमेंट 2020 में होने वाली है, बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट आएगी, 11,000 प्लस पद, कांस्टेबल प्लस एसआई सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए यहाँ पर भर्ती होगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट रिक्रूटमेंट, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विल रिलीज द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट इन आरपीएफ, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट दे शुड कीप इन टच विद द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरपीएफ www. ये आरपीएफ की वेबसाइट है फॉर मोर अपडेट। तो यहाँ पर हमने आरपीएफ के कांस्टेबल पद की बात कर ली। अभी कांस्टेबल में और एसआई में कितने पद होंगे वो मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी चलते हैं हम एसआई के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आरपीएफ 9,000 सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2020, मतलब 9,000 पद यहाँ पर एसआई के होने वाले हैं और 2,000 प्लस पद होंगे यहाँ पर कॉन्स्टेबल के। तो आरपीएफ 9,000 सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2020, आरपीएफ एसआई अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखना आरपीएफ सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2020, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिक्रूटमेंट मेल एंड फीमेल 2020 फॉर एसआई पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आरपीएफ और आरपीएसएफ, तो आरपीएफ और आरपीएसएफ एक ही चीज़ है लेकिन बस इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, मैं आपके लिए बताऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एसआई की वैकेंसीज यहाँ पर आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों के लिए ही हैं। तो दोस्तों, आरपीएफ की फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और आरपीएसएफ की फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स स्पेशल फोर्स। तो ये रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होती है आरपीएसएफ,
इसमें प्रमोशन भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही भर्ती निकलने वाली है, 9000 प्लस पद की भर्ती निकलेगी। तो दोस्तों ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये बिल्कुल अब लेटेस्ट अपडेट न्यूज आई हुई है आरपीएफ की तरफ से। तो अगर आप आरपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं एसआई के तौर पर या फिर कॉन्स्टेबल के तौर पर, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आरपीएफ की वेबसाइट पर आरपीएफ की वैकेंसीज रिलीज होंगी मैं आपके लिए बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए बताया आरपीएफ के रिक्रूटमेंट के बारे में। मैं अपने चैनल पर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नई भर्ती के बारे में नई डिटेल लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।